जो महा पुरुषों महान भगवान का जन्मदिन भी है, एक तो हमारे राष्ट्र के राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में ये है कि आज जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांधी जयंती मनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं गांधी चौक। देखिए यहाँ पे पूरा तैयारी हो ही रहा है, मतलब हो ही गया है, अब शुरू ही होने वाला है। तो चलिए आप लोग वीडियो पूरा कंटिन्यू बने रहे, आप लोगों को दिखाते हैं। तो मालूम है शुरुआत किया जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे सुभाष चौक पर प्रवक्ता की ओर। वहाँ भी हम सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और पुनः वहाँ से हम लोग भक्तुजी नदी का अवरोध करेंगे, जहाँ पे रामदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जो महा पुरुषों महान भगवान का जन्मदिन भी है, एक तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें आप तमाम भक्तों का बच्चा लोग इधर थे। हेलो। हाँ, तो इस शुभ घड़ी में हमारे विद्यालय के बच्चे भी आए थे। बच्चों से आग्रह है कि क्या आप सामने आ जाए। तो कार्यक्रम मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अरे उत्सव इसी दुख दुख अरे सुख दोनों के साथ आए हैं। सभी नहीं होता था उसको नहीं चाहिए। कई गंभीर समस्याओं को लेकर हमारे पथरगढ़ प्रखंड के तमाम ग्रामवासियों के सहयोग से हमारे माननीय शिवानी पंचायत के पूर्व माननीय राजेंद्र प्रसाद ठाकरे जी के द्वारा हम सभी यहाँ से जन्मोत्सव मनाकर सुभाष करते हुए हम लोग बहुत दूर हो जाएंगे और प्रखंड के गंभीर समस्या को देखते हुए उस समस्या का समाधान के लिए हम सभी अनशन भी कर बैठे हैं। तो हम चाहेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, क्योंकि आज हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन्म हमारे महापुरुषों जी प्रतिमा पर मल्यार्पण करें। सोए हुए लोगों को जगाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आज दो अक्टूबर को हम सभी उस सोए हुए महा सरकार पर बैठे गद्दीदारों को अनशन के माध्यम से हम आज से जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि जब और इस पथरगढ़ प्रखंड का समस्या का समाधान हो, पथरगढ़ प्रखंड विकास की ओर बढ़े।
मित्रों बस यहाँ से कुछ देर के लिए हम सभी चलेंगे सुभाष चौक। सुभाष चौक से हमारे एक समाज सेवी का प्रतिमा स्थल है, वहां भी जाएंगे। उसे हम लोग अपने आप को निशावर करना होगा इनके जैसा, जिस तरह से यह देश के लिए अपने सारा कुछ त्याग कर अपने जान को भी त्याग डाला, तो हम लोग भी इनके जैसा नहीं तो मन में तो ठान सकते हैं, मन में भी तो एक कर सकते हैं, हम भी इनके लिए शामिल, हम भी इनके जैसा कुर्बान हो, हम भी इनके जैसा कुछ कर सकते हैं। इतना नहीं, देश के लिए नहीं, अपने घर के लिए अपने। तो भैया अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे हो गया जो कार्यक्रम था, जो गांधी जी का जन्म उत्सव मनाना था जो मन गया, और इससे आगे जा रहे हैं अगला चौक जो कि सुभाष चंद्र बोस, वहाँ पे माल्य अर्पण करना है। तो चलिए बने रहिए हमारे हो चुका है। अब अनशन कर्ता के माननीय गुरु जी